आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट का खुलासा मास्टरमाइंड, जिसमें हमने दिखाया कि आज किस तरह से सांसद यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठे बिना पास हो गए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें इन तीन सांसदों की कोई गलती नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, उनके नाम का हमने सिर्फ इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए गोरख धंधा किस तरह से फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में कि लोगों को कोई फिक्र नहीं इस बात की कि किसका नाम लिखा है, किसकी तस्वीर है इन एडमिट कार्ड्स में, सिर्फ पैसे ले रहे हैं और ये कार्ड दे रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय मोहन, जो कि यूपी बोर्ड से जुड़े हैं, उसके निदेशक हैं। मोहन साहब, आपकी नजर में ये जो हो रहा है, इसके लिए क्या आपका बोर्ड जिम्मेदार नहीं है? देखिए, फरुखाबाद की जिस घटना का खुलासा यहाँ पर किया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। जहाँ तक इस प्रकार की ठेका लेकर नकल कराए जाने की घटनाओं का प्रश्न है, लेकिन ये तो पूरे यूपी में हो रहा होगा, हमने सिर्फ एक शहर का यहाँ आज खुलासा किया है, आपको ये चिंता की विषय नहीं लग रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर, कई ऐसे स्कूल जहाँ हर साल ऐसा ही हो रहा होगा। निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की शिकायतें प्रदेश के अधिकांश जनपदों से समय समय पर मिलती रही हैं। हमने इस संबंध में कठोर कार्रवाई भी की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की है और हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये हर संभव प्रयास रहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को जितना रोका जा सके उतना रोका जाए। इस संबंध में हमने बहुत सारी व्यवस्था संबंधी निर्णय भी लिए हैं। जैसे पहले ये होता था कि कक्षा 9 में 50 बच्चे होते थे और कक्षा 10 में 1000 बच्चे बैठते थे, तो वर्ष 2000 से हमने कक्षा 9 और कक्षा 10 हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोहन साहब, इतने आसानी से खिलवाड़ हो रहा है? मेरे पास वो एडमिट कार्ड है, इनमें सांसदों के नाम है, उनके पिता का भी नाम है। यहाँ मिलिंद देवरा का कार्ड है मेरे साथ, उसमें उनका नाम है, मुरली देवरा जो कि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनका भी नाम है, उनकी तस्वीर लगी है और धड़ल्ले से आपके बोर्ड में ये काम हो रहा है, लोगों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी कहाँ तक, आपके बोर्ड की कहाँ तक इसकी जिम्मेदारी है? इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे, हमारे साथ कुछ और विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तीन सांसद एक परीक्षा, बिना परीक्षा के तीनों हुए उत्तर प्रदेश की 10वीं परीक्षा में पास, स्टार न्यूज का खुलासा। गुज्जर आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 4 राज्यों की पुलिस को भेजा कारण बताओ नोटिस। और किसान बनकर जमीन खरीदने के आरोप पर आमिर खान का जवाब, कहा मैं जन्म से ही हूं एक किसान। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दिलाने के लिए तीनों सांसदों को पैसे के लालच में पहले तो बना दिया गया स्कूल का स्टूडेंट, और जब बोर्ड से उनके नाम का एडमिट कार्ड बनकर आ गया तो नकल के ठेकेदारों ने फोटो बदलकर किसी और से दिलवा दी उनके नाम पर 10वीं की परीक्षा। नकल के खिलाफ हुए हमारे ऑपरेशन मास्टरमाइंड में तीन सांसदों को नकल के ठेकेदारों ने बिना परीक्षा दिए ही करवा दिया पास। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो ऑपरेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें इन तीन सांसदों की कोई गलती नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि उनके नाम का हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये जाहिर हो सके कि कितनी आसानी से ये फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा 2007 के तीन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र का ब्यौरा, रजिस्ट्रेशन नंबर 3203254, परीक्षार्थी का नाम नवीन जिंदल, विद्यालय और परीक्षा केंद्र लाल बहादुर सिंह इंटर कॉलेज कनकापुर फरुखाबाद और रोल नंबर 1292784। रजिस्ट्रेशन नंबर 3205699, परीक्षार्थी का नाम बैजयंत जय पांडा, विद्यालय और परीक्षा केंद्र गुरुदेव आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय नदौड़ा फरुखाबाद और रोल नंबर 1287343। रजिस्ट्रेशन नंबर 3203154, परीक्षार्थी का नाम मिलिंद देवड़ा, विद्यालय और परीक्षा केंद्र लाल बहादुर सिंह इंटर कॉलेज कनकापुर फरुखाबाद और रोल नंबर 1292760। शिक्षा के दलालों को बेनकाब करने के लिए हुए स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन में तीनों सांसदों के नाम
माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में न सिर्फ नियमित छात्र के तौर पर दर्ज हुए बल्कि परीक्षा देने के लिए यूपी बोर्ड से प्रवेश पत्र भी जारी हो गए। यूपी बोर्ड में अंधेर कर दी ऐसी कि ना तो किसी के नाम पर नजर गई और ना ही सांसदों की फोटो पर। हमारे इस खुफिया ऑपरेशन में सौदा तय होने के बाद शिक्षा के सौदागरों ने सांसदों को अपना छात्र बताकर पहले तो उनका पंजीकरण कराया और फिर बतौर नियमित छात्र स्कूल की तरफ से उनका ब्यौरा बोर्ड को भिजवाया। बोर्ड ने भी नाम, उम्र और फोटो की अनदेखी कर परीक्षार्थी के तौर पर जारी कर दिया सांसदों की फोटो के साथ उनका एडमिट कार्ड। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल इम्तहान के लिए बना ये एडमिट कार्ड वो दस्तावेज है जिससे छात्र हो जाता है परीक्षा में बैठने का हकदार। एडमिट कार्ड पर लगी फोटो से चेहरे का मिलान कर छात्र को परीक्षा केंद्र में घुसने दिया जाता है। लेकिन यूपी में इस बार जब हाईस्कूल की परीक्षाएं हुई तो एडमिट कार्ड में भी नकल के सौदागरों ने की जमकर हेराफेरी। नकल माफिया का नेटवर्क जालसाजी कर यूपी बोर्ड से एडमिट कार्ड बनवाने में कामयाब तो रहा ही, वो एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आया। हाईस्कूल की परीक्षा को अपने लिए कुबेर का खजाना मानने वाले नकल के ठेकेदारों ने तीनों सांसदों के नाम से जारी हुए एडमिट कार्ड की फोटो बदलकर किन्हीं और से परीक्षा दिलवा दी। रकम लेकर यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में पास होने की गारंटी लेने वालों ने बड़ी चालाकी से राज्य में अपना जाल बिछाया था। लेकिन स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट के इस ऑपरेशन में इस बार वो खुद ही फंस गए। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट संवाददाता के आशीष की रिपोर्ट। और स्टार न्यूज से इस खुलासे पर और चर्चा के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जेएस राजपूत जो कि पूर्व निदेशक हैं एनसीईआरटी के। आपका स्टार न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। और साथ ही लखनऊ में हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे शिक्षा के लिए, और हमारे साथ संजय मोहन पहले से जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक हैं, और वो जवाब दे रहे हैं कि आखिर उनका किस हद तक जिम्मेदार है इतने बड़े फर्जीवाड़े के लिए। और हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं एक अहम सवाल कि हमने आज रात जो खुलासा किया है उसके बाद क्या जो आज नतीजे घोषित किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए? शुड द रिजल्ट्स ऑफ द यूपी बोर्ड बी कैंसल्ड इन लाइट ऑफ व्हाट हैज बीन शोन ऑन स्टार न्यूज टुनाइट? दैट्स द क्वेश्चन वी आर आस्किंग आवर व्यूअर्स। हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो नतीजे हमने दिखाए हैं जिसमें कि तीन सांसदों को हमने दिखाया है कि बिना परीक्षा में बैठे ही वो पास हो गए हैं, इसके बाद पूरे एग्जाम के जो नतीजे आज घोषित किए हैं उसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए? आप अपने जवाब भेज सकते हैं 7827 पर। हम लगातार आपके जवाब सामने रखेंगे और पूछेंगे सवाल कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस फर्जीवाड़े के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। राजपूत साहब, आप बताइए, आप देश की शिक्षा प्रणाली से कई सालों से जुड़े रहे हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े के बाद क्या अहमियत है, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के भविष्य के साथ भी? मैंने भी बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा दी थी और उस समय बोर्ड का परीक्षा नाम करीब 44 या 43% रहता था। पिछले तीन या चार वर्षों में ये 90% तक पहुंच गया है। अभी 12वें का 89% आया। और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि वहाँ परीक्षा कैसे दी जा रही है, क्या क्या हो रहा है। आप जो फर्जी बड़ा दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आश्चर्य की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाइए, शिक्षा से जुड़े किसी व्यक्ति से पूछे, वो कहेगा ये तो हर जगह हो रहा है। मुझे ये भी बड़ा अचंभा है कि जो परिषद है उसने ये कैसे नहीं जाना कि पिछले 3 वर्षों में परीक्षा परिणाम एकदम ऊपर क्यों चला गया, सडनली 90% पर आप कैसे पहुंच गए? बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास मौजूद हैं संजय मोहन, उनसे इसका जवाब जानते हैं। मोहन साहब, आपको आश्चर्य नहीं हुआ इस तेजी के साथ जो सक्सेस रेट है वो छात्रों का बढ़ गया? देखिए, ऐसा है कि पिछले 3 वर्षों में परीक्षा फल में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि हमने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली को लागू किया, और स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। और एक तर्क तो ये दिया जाता रहा कि छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा अवधि में छात्र और छात्राओं के परीक्षा केंद्र में आवागमन और आवास की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली लागू की गई थी, और शायद अनुकूल वातावरण मिलने के कारण परीक्षा फल में सुधार हुआ है। लेकिन ये राजपूत साहब का एक जवाब है आपके लिए। राजपूत साहब बोलिए। ये कहना चाहता हूँ कि मैं परिषद के अधिकारियों के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में जो कुछ किया वो राजनीतिक इंगित पर किया। स्वकेंद्र प्रणाली का तात्पर्य सभी को स्पष्ट था
कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं। क्या आपके ऊपर दबाव था, क्या जो पिछली सरकार थी जिस ओर संकेत कर रहे हैं राजपूत साहब, उन पर आप पर राजनीतिक दबाव कभी भी रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की नीति है वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जाती है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के परामर्श के उपरांत। और जी आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा है उससे साफ है कि आपका इशारा है मुलायम सिंह सरकार की तरफ। ओम प्रकाश सिंह शायद ज्यादा खुलासे से यही बात कहेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, आप राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं, क्या होना चाहिए इन एग्जाम्स का, कोई मायने रहा है इनका इस खुलासे के बाद? देखिए, जब पिछली सरकार ने 100 परीक्षा केंद्र प्रणाली लागू किया तब इसको सब ने विरोध किया, क्योंकि पहले भी परीक्षा में अपवित्रता थी, उस अपवित्रता को इस प्रणाली ने पूरा संरक्षण दे दिया। और आपका खुलासा निश्चित है उस प्रणाली के बुरे पक्ष का एक छोटा सा पहलू है। आपने बहुत बड़ा काम किया है समाज का, और निश्चित है यह परीक्षा केंद्र प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। और इस उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में शिक्षा एक तरह से व्यवसाय हो गई है, और व्यवसाय ही नहीं गलत तरीके से व्यवसाय करने की प्रणाली हो गई है। और बहुत बड़े पैमाने पर विद्यालय हैं जो राजनीतिक संरक्षण में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव था, वह राजनीतिक कारणों से परीक्षा प्रणाली को दूषित किया, और अधिक से अधिक नौजवान पास होने का अवसर पाएं यह उनका लक्ष्य था, न कि शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करना। यह प्रणाली ही दोषपूर्ण है, और जब यह प्रणाली लागू की गई थी तो जी ओम प्रकाश सिंह माफ कीजिएगा, आपको मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त है हमें एक और ब्रेक लेने का। लेकिन स्टार न्यूज पूछ रहा है एक बेहद सीधा सवाल कि आखिर जो खुलासा आज रात स्टार न्यूज ने किया है उसके बाद इस पूरे एग्जाम का कोई भी मायने रह गया है क्या, पूरा एग्जाम खारिज कर देना चाहिए नहीं? हम अपने सारे एक्सपर्ट से ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, मेरे हाथ में मौजूद हैं ये वो फर्जी एडमिट कार्ड जो कि 3 सांसदों के नाम पर हैं जो बिना बैठे आज 10वीं की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में पास हो गए हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि इसमें हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। हमने पूछा है आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल, क्या यूपी बोर्ड के नतीजे रद्द कर देने चाहिए इस खुलासे के बाद? शुड द रिजल्ट्स ऑफ द यूपी बोर्ड बी कैंसल्ड इन लाइट ऑफ व्हाट स्टार न्यूज़ इज शोन टुनाइट? आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं 7827 पर। हमें यहां होगा एक छोटा सा